हुकूमत ने एक शब्द दिया आत्मनिर्भर भारत और आवाम उसे साकार करने में लग गई। हम बात कर रहे हैं गुजरात के बनासकांठा जिले की बडगाम तहसील के नगाड़ा गांव की रहने वाली 62 साल की नवलबेन चौधरी की। जब शादी होकर ससुराल आई तो घर में 10-15 भैंसे थी। आज नवलबेन दूध की बिक्री से हर महीने करीब 9 लाख रुपए कमाती है। हर रोज वो बनासकांठा की बनास डेयरी को 750 लीटर दूध भेजती है और ताज्जुब की बात यह है कि उनके पास न तो कोई मैनेजमेंट की डिग्री है न ही वो अधिक पढ़ी लिखी है, बस अपनी सूझबूझ से 190 मवेशियों को मैनेज कर रही हैं। इतना ही नहीं, नवलबेन ने गांव के लोगों को खुद रोजगार भी मुहैया कराया है। वो काम पर रखे हुए 10 लोगों को 10-10 हजार रुपए महीना वेतन देती हैं। उनके 190 मवेशियों में 45 गाय और 150 भैंस शामिल हैं। नवलबेन के मैनेजमेंट के तौर तरीकों का ही असर है कि गुजरात की कई महिलाएं अब दूध के व्यवसाय में जुड़ने लगी हैं, जिनमें अकेले नवलबेन की सालाना कमाई तकरीबन 80 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। नवलबेन के 4 बेटे हैं और वो सभी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। इसके बावजूद वो सभी पशुपालन और दूध के व्यवसाय में अपनी माँ का सहयोग करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करते हैं। चारों अपना पारिवारिक व्यवसाय नहीं छोड़ना चाहते। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दूध का व्यवसाय अब कितना बढ़िया जम गया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी कि GCMMF के तहत बनासकांठा जिले में बनास डेयरी चलती है, जिसे नवलबेन हर रोज 750 लीटर दूध बेचती हैं। इस तरह वो यहां पर अधिकारियों और प्रबंधकों से भी कई गुना ज्यादा कमाई करती हैं। एक खबर के मुताबिक वो साल में 2.21 लाख किलो दूध का उत्पादन करती हैं। नवलबेन को बनास डेयरी की ओर से बनासकांठा जिले में दूध की कमाई के मामले में नंबर एक पर रखा गया है। पशुपालन और दूध की बिक्री से हर रोज 30 हजार रुपए और साल में करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाली नवलबेन कहती हैं कि मैं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हूं। नवलबेन कहती हैं कि जब शादी हुई तो 10-15 भैंसे थीं, आज मेहनत और सूझबूझ से ससुराल में पशुपालन का व्यवसाय ही उस परिवार का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि नवलबेन से सीख लेते हुए यहाँ पिछले 5 सालों में 1 लाख से अधिक महिलाएं पशुपालन के साथ दूध के व्यवसाय से जुड़ी हैं। वाकई काम करने की जिद हो तो उम्र कोई बाधा नहीं होती, बस जज्बा चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।